नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइव स्टॉक्स में। आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहा, कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इंट्राडे लेवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। आज एक्सपायरी था तो आपने जो नीचे साइड हमारा ट्रेड था एक्टिवेट हुआ और आपने यहाँ पैसे बनाए होंगे। बात करते हैं कल के लिए फ्राइडे के रिगार्डिंग, कि फ्राइडे को मार्केट कैसे काम कर सकता है। फ्राइडे को अगर मार्केट 17,410 के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपका टारगेट होगा फर्स्ट वो होगा 460 का, और आपका सेकंड टारगेट होगा वो होगा 540 का। वहीं बात करें सेलिंग साइड के लिए अगर, तो जैसे ही मार्केट 17,300 के नीचे निकलता है आप सेल करेंगे। जो आपका टारगेट होगा वो होगा सबसे पहले 260 का और सेकेंड होगा 210 का। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 40,620 के ऊपर निकलता है तब कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपका टारगेट होगा वो होगा सबसे पहला टारगेट होगा 730 का, और सेकंड टारगेट जो होगा वो आपका होगा 920 का, यानी 40,920 का। वहीं बात करेगा सेलिंग साइड के लिए, जैसे ही मार्केट निकलता है 40,230 के नीचे आप सेल करेंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 40,090 का, और जो आपका सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 39,860 का। ट्रेड में जब आप एंट्री लेते हैं तो वहां पे आप जब आप मार्केट आपके फेवर में आता है तो अपना स्टॉप लॉस आप कैरी करते रहेंगे। इससे आप बड़े बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ इंट्राडे लेवल स्टॉक्स के बारे में। हमारा फर्स्ट पिक है कल के लिए एचसीएल टेक। एचसीएल टेक आप बाई करेंगे 1109 के ऊपर। जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1116 का फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड 1121 का, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1103 का। बात करें सेलिंग साइड के लिए अगर, तो सेल करेंगे 1101 के नीचे। जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1094 का, जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो होगा 1088 का, आपका स्टॉप लॉस होगा 1106 का। वहीं बात करें अगर हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प बाई करेंगे 2466 के ऊपर। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2448 का, जो आपका टारगेट होगा वो होगा 2482 का। वहीं बात करें सेलिंग साइड के लिए अगर, सेल करेंगे आप 2441 के नीचे। जो आपका एसएल होगा वो होगा 2452 का, जो आपका टारगेट होगा वो होगा 2425 का। हमारा थर्ड पिक है कल के लिए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आप बाई करेंगे 1105 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 11, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1097 का, और आपका टारगेट रहेगा 1112 का, और सेकंड टारगेट 1118 का। आपका जो सेलिंग साइड जो ट्रेड आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं 1093 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा 1098 का। जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1083 का, और सेकंड टारगेट 1078 का। हमारा लास्ट पिक है कल के लिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का बाई करेंगे 847 के ऊपर। जो आपका एसएल रहेगा वो रहेगा 843 का, जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 856 का। वहीं बात करें सेलिंग साइड के लिए अगर, सेल करेंगे 841 के नीचे। एसएल लेंगे 846 का, टारगेट होगा 834 का। भाई ये बात करते जो स्टॉक्स हमने दिए थे आज के मार्केट के लोग कैसा परफॉर्म किया। आप यहाँ देख रहे हैं यूपीएल फर्स्ट कैंडल में ही बाइंग से एक्टिवेट हुआ और सेल से एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, यानी आपका इसमें एसएल लिया होगा। फिर अगर आपने बाद में अगर पुट साइड एंट्री भी ली होगी तो यहाँ पे आपका टारगेट नहीं मिला है, तो इसमें आपका एसएल हिट हुआ है। वहीं बात करें विप्रो के लिए, तो विप्रो भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं सेलिंग साइड एक्टिवेट किया है, लेकिन आपका नीचे टारगेट ना देकर वापस जाके आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स देख रहे हैं यहाँ से एक्टिवेट तो हुआ है आपका, लेकिन एक बार तो लगता है कि जाके जिसे यहाँ से निकला फिर ऊपर रेंज बाउंड होकर वापस से आपका 2-3 पॉइंट आपको दिया होगा। तो यहाँ पर अगर आपने 1:1 फॉलो किया होगा तो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पर आज हमने 0-0 कॉल दिया हुआ था। जो हमने दिया हुआ था 12 रुपये पे, 12 से 16 गया वापस आके 0 हो गया। तो 0-0 का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को या तो वहाँ से 0 बना देंगे या 0 बना देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा आपको संभल के करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद।